ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ੌਲਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਤਦਾਨ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ पंचकुला विच 13 साल नाबालिग बच्ची ने 7 महीनों के मृतक बच्चे नूं दिता जन्म दोषी दी भाल विच पुलिस हुण खबरां विस्तार नाल खबरां दी शुरुआत विच सब तो पहलां गल करदे हां चंडीगढ़ नगर निगम दीआं चोणां दा जिस दीआं तैयारियां जोरां शोरां दे नाल चल रहीआं सी ते हुण तुहानूं दस दईए कि आखिरकार चोणां दे लई वोटिंग है जो उसदा ऐलान हो चुक्या हैगा 24 दसंबर नूं वोटिंग होवेगी ते इस दे नाल ही तुहानूं इह वी दस दईए कि अज तों आचार संहिता हैगी है जिहड़ी उह लागू हो चुकी है 22 के इलेक्शन का डिक्लेयर किया है 27 नवंबर को नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसी दिन से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा मैंने आज से कोड ऑफ आज से लागू हो गया है जैसे मैंने अनाउंस किया है 27 से नॉमिनेशन स्टार्ट होगा ये अलाउ है अब तो 4 दिसंबर तक तो जितने कैंडिडेट चाहते हैं 27 से 4 तक नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं स्क्रूटनी हम लोग करेंगे नॉमिनेशन पेपर की जिसमें हम लोग देखेंगे एफिडेविट दिया है कि नहीं उसने उसकी फोटोग्राफ है कि नहीं है हमने इस बार कहा है कि फोटोग्राफ भी कैंडिडेट की रहेगी जिससे कि पब्लिक को आसानी रहे वोटर्स को और विड्रॉल की डेट रखी है हमने 9 तारीख को 9 दिसंबर को थर्सडे को और सबसे इम्पॉर्टेंट डे है जो 24 जिसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं 24 दिसंबर को इलेक्शन है पोलिंग है पोलिंग के टाइम 7:30 से 5 तक है इट इज अनइंटरप्टेड पोलिंग आवर्स 7:30 इन द मॉर्निंग टू 5 PM इन द इवनिंग रूल ये कहता है कि 5 के पहले जो पोलिंग बूथ के स्टेशन में आ जाएंगे उनको हम वोट अलाउ करेंगे यू कैन गो अप टू 6 आल्सो प्रोवाइडेड देयर इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड काउंटिंग है 27 नवंबर को थैंक यू 27 दिसंबर को और हमको 30 दिसंबर तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं जब हम नोटिफाई भी कर देंगे तो दिस इज इलेक्शन शेड्यूल एंड चंडीगढ़ के बड़े जागरूक लोग हैं तो हम लोग अच्छा इलेक्शन करें और आप लोग सबका सहयोग चाहिए और आई अश्योर यू दैट विल बी वेरी वेरी इम्पार्शियल एंड वेरी फेयर एंड विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू मेक इट वेरी फेयर यू कैन बैंक ऑन अस एंड विल गेट योर सपोर्ट प्रचार तो क्या टाइम रहेगा प्रचार दिन तो स्टार्ट हो जाएगा नॉमिनेशन के बाद से ही अच्छा नहीं कोई टाइमिंग है कि रात को 7 बजे हाँ ये बता दो वो यार राइट 10 से 7 मना जो 10 से शाम को 7 बजे सुबह 10 बजे से शुरू करके शाम को 7 बजे तक और ये 72 घंटे पहले बंद हो जाएगा जो पोल की क्लोज का आवर है तो उससे 72 आवर्स पहले बंद हो जाएगा पहले तो 48 आवर्स का होता हाँ इस बार 72 आवर्स का रखा है कमीशन इसका कारण क्या रखा है इलेक्शन कमीशन ने भी रखा है और इस बार कोविड परीक्षाएं चल रही थी कोविड था उस सबको ध्यान में रखते हुए पब्लिक समय कोविड को लेके कोई ऐसा तो नहीं कि बड़ी रैली बैन है या बड़ी नहीं कर सकते या कुछ ऐसी संख्या इन्होंने कोई तय की है वो सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बता असल में ये मॉडल कोड कंडक्ट में सब मेंशनड है कि कितनी बड़ी रैली कर सकते हैं कितनी गाड़ियाँ अलाउड हैं 3 गाड़ी 5 गाड़ी 2 गाड़ी के साथ आ सकते हैं ये सब डिटेल्स हैं आपको हम उसकी डिटेल्स दे देंगे आप जो भी डिटेल चाहेंगे सर पिछली बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने एक सवाल बताया था कि अगर कोई कोविड व्यक्ति है और वो अगर वो वोटिंग कराए तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी कोविड के वैसे चांसेस कम लेकिन तैयारी करनी है तो हम लोगों ने सब तैयारी रखी है कि सैनिटाइजर देंगे जिसका मास्क नहीं उसको मास्क भी देंगे वहाँ पे कोई टाइम रिजर्व किया सर पर्टिकुलर हाँ उनका लास्ट 1 आवर रखा है लेकिन पहले से हमको मालूम हो जाएगा ये तो क्योंकि आर ओ को पता चल जाएगा कि 5 लोग आने वाले हैं तो बिल ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग लास्ट में करेंगे उसको प्रेस नोट दे देंगे हाँ प्रेस नोट देंगे तो बहुत धन्यवाद और प्लीज़ हैव अ टी विद अस एंड गुड टू सी यू ऑल जिथे एक पासे चोण कमीशन वालों चोणों का ऐलान कर दिया गया है तो उत्थे दूजे पासे चंडीगढ़ नगर निगम दीआं चोणां नूं लै के हुण दोषां दा आरोपां दा दौर भी शुरू हो चुक्या हर एक पार्टी एक दूजे उपर झड़ी लगा रही है आरोपां दी कई तरह के वार किए जा रहे हैं शब्दी वार किए जा रहे हैं तो हुण भाजपा ने भी जुबानी हमले किए ने आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ते
चंडीगढ़ नगर निगम दीआं चोणां दा ऐलान हुंदे हुण पार्टियां दे विच इक दूजे ते आरोप प्रत्यारोप लगाउण दा सिलसिला भी शुरू हो गया है ते वक्खो वक्खरियां पार्टियां हुण इक दूजे ते जिथे आरोप लगा रहियां हन ते दूजे पासे अपनी जित दा दावा भी ठोक रहियां हन। चोणां दे ऐलान मगरों जिथे भाजपा दे अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि चोण आयोग ने जो घोषणा की आ उसका वह पूरी तरह स्वागत करते हैं, तो दूजे पासे उन्होंने कांग्रेस आम आदमी पार्टी ते अकाली दल ते ये भी आरोप लगाया कि वह चोणां टालण दा काम कर रहे सी। बिल्कुल हमारी प्राथमिकता जो रहेगी वो युवाओं को मौका देने की रहेगी, लेकिन विनेबिलिटी, पार्टी के प्रति समर्पण और एक बेदाग चेहरा, ये तीन क्राइटेरिया भी रहेंगे और इसमें जो नौजवान भी खड़े उतरते हैं हम विशेषता उनको एक पुश देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लोगों को हम जो है वो आगे लाएं। लेकिन विनेबिलिटी अपने आप में, क्योंकि इस बार पार्टी का लक्ष्य है कि अब की बार 35 तो 35 की 35 सीटें जीतने का हमने लक्ष्य लिया है, और मैं समझता हूँ कि पार्टी में चाहे वो महिलाएं हों, हमारा महिला मोर्चा बहुत स्ट्रेंथन है, 12 सीटें महिलाओं की लड़नी है, 9 जनरल हैं, 3 SC हैं, और इसी प्रकार से जो 4 SC जेंट सीट्स हैं वो तो रिजर्व सीट्स वैसे ही लड़ी जाएंगी, 16 सीटें रिजर्व हैं और जो 19 जनरल सीटें उन पे भी, तो चाहे वो SC समाज के लोग हों, आज हमारा SC मोर्चा बहुत सक्रिय है, लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, SC सम्मेलन हो रहे हैं, और युवा मोर्चा हमारा बहुत सशक्त है, जल्दी वो प्रदेश लेवल का एक युवा सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। तो मैं सब प्रतिनिधित्व को, चाहे वो कोई भी समाज का वर्ग हो, हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे और पार्टी जो है एक बड़ी बैलेंस जो है वो कैंडिडेट्स की जो है वो लिस्ट डिक्लेयर करेगी। एक सर, कृषि बिलों को रद्द करने के बाद पीएम मोदी कह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि इससे भी स्थिति सुधरेगी? जो बीजेपी का विरोध कई लोग कर रहे थे, अब वो विरोध नहीं होगा और वो भी अब आपके वोट में तब्दील होगा? नहीं, पहले भी कोई बहुत लंबा चौड़ा चंडीगढ़ में कृषि बिलों के कारण से इफेक्ट नहीं था, लेकिन अब जो लोगों को है कि जो वापस करना चाहते थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में मैं बिल लाया था लेकिन देश के हित में मैं वापस ले रहा हूँ। दूजे पासे कांग्रेस के प्रधान सुभाष चावला ने कहा कि चोण कमीशन ने जो चोणां दीआं डेटां की घोषणा की आ उसका वह स्वागत करते हैं, पर इस दे नाल ही उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों से बड़ा आरोप भी लगाया। देखिए, पहले तो मैं सोचता था कि वो बीमार हैं और मेरा खुद ये विश्वास था कि जो आदमी बीमार हो गया है या किसी परेशानी की वजह से वो चुनाव में नहीं हिस्सा ले सकता, तो अब तो देखिए मुझे पता लगा कि वो सीरियल में भी काम कर रही हैं, तो बहुत जल्दी उनका सीरियल आ रहा है, वर्चुअल मीटिंग सारी एड्रेस कर रही हैं, तो फिर अब तो अधिकार बनता है ना हमारा उनसे सवाल पूछें। क्योंकि जब 2014 में जब उन्होंने चंडीगढ़ में अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, या 2011 की बात करूं जब वो यहाँ की प्रभारी बन के आई थी, तब उन्होंने पहला कहा था कि अगर मैं चंडीगढ़ से कभी भी मेंबर पार्लियामेंट बनी तो मैं पहले सबसे पहले डंपिंग ग्राउंड ख़त्म करूँगी, कहा था। ये उनकी रिकॉर्डिंग है, अगर कहें तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो कर्मचारियों को, नगर निगम के जो अस्थाई हैं उनको पक्का किया जाएगा, ये वादे उन्होंने किए हैं। उन्होंने हाउस मीटिंग में, उस वक्त मैं भी काउंसलर था, जब उन्होंने कहा था कि आप हमें 100 करोड़ रुपया पाइपलाइन के लिए दे दीजिए, मैं 2016 में 24/7 24 घंटे पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट लेके आऊँगी। आज हम 2022 में एंटर करने जा रहे हैं, अभी तक कोई पानी का कोई नामोनिशान नहीं कि 24 घंटे चलेगा नहीं चलेगा। 450 करोड़ रुपये की मेरे टाइम में हम FD छोड़ के आए थे, हम 40 करोड़ रुपये साल का उससे आमदन करके देते थे कॉरपोरेशन को, जो बैंकों से ब्याज मिलता था। आज 450 करोड़ वो भी ख़त्म हो गया, 550 करोड़ रुपया फ्रांस गवर्नमेंट से और लोन ले लिया। ये मुझे बता दें सिर्फ आज के मेयर या जो पिछले मेयर या भारतीय जनता पार्टी के प्रधान, वो 1000 करोड़ रुपए के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने चंडीगढ़ में चलाए हैं पिछले 5 साल? ये बनती है, हमारा सवाल पूछना बनता है? नहीं बनता। फंड का लाना, फंड का मेंटेन करना, फंड का खर्च करना, ये सारे के सारे काम मेंबर पार्लियामेंट के होते हैं, क्यों नहीं कर रही? अगर वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर सकती हैं तो क्या कमिश्नर के साथ वर्चुअल मीटिंग करके ये नहीं पूछ सकती कि फंड का मिसयूज़ क्यों हो रहा है, क्यों घपलेबाजी हो रही है, क्या क्या हमने नहीं देखा इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की? उनकी प्रेजेंस में आशा जायसवाल ने अपने ही मेयर के खिलाफ नॉमिनेशन भरे थे, नहीं भरे थे? 5 आदमियों की क्रॉस वोटिंग हुई थी, नहीं हुई थी? उस वक्त तो किरण खेर बैठी होती ना। तो ये सारे सवाल तो जनता पूछती है कि आपको हमने 5 साल इस कामों के लिए चुन के दिया था कि आपके काउंसलर सरकारी अधिकारियों से या ठेकेदारों से दिवाली गिफ्ट मांगे, उनकी वीडियो आ गई, ऑडियो आ गई, ऑडियो विजिलेंस में भी चली गई, वहाँ से ये भी सबूत होकर आ गया कि हाँ आवाज़ भी सही है।
चोन कमिशन वालों ऐलान कर दिया गया है ते तरीका भी ऐलान दित्तियां गईयां हन जिथे राजनीतिक पार्टियां एक पासे अपनी चोन मुहिम शुरू कर रही हैं ते दूजे पासे एक दूजे ते आरोप लगाते हुए अपनी जीत का दावा भी ठोक रही हैं। जगवाणी टीवी लई चंडीगढ़ तो भगवत सिंह की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वे 2021 होया, हर साल जिथे चंडीगढ़ दा नाम उपर रहिंदा सी, इस वार काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया। टॉप 10 तक ही, टॉप 50 विच भी चंडीगढ़ नहीं रहा, 66वें नंबर ते पहुँच चुकिया है चंडीगढ़। जिस तो बाद कांग्रेस ने कई तरह के सवाल खड़े किए, कांग्रेस ने नगर निगम ते भी कई तरह के आरोप लगाए ने। सर, स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ की रैंकिंग काफ़ी पायदान नीचे गिरी है, इस बार 66वें नंबर पे आया चंडीगढ़, क्या कहना है आपका, जबकि करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं सफाई व्यवस्था पर। देखिए, मैं खुद और हमारी पार्टी के पार्षद और चंडीगढ़ के लगभग सभी एनजीओस, फॉसवेक, क्राफ्ट चीख चीख के कह रहे हैं कि जी चंडीगढ़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सफाई के मामले में इतना भ्रष्टाचार घर कर गया है और जगह जगह जो कूड़े के ढेर, जो सेग्रीगेशन नहीं हो रही है, डंपिंग ग्राउंड की जो हालत होती जा रही है, इसको बंद करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुझे समझ नहीं आई, सत्ता के नशे में इतना चूर थे कि उन्होंने किसी की बात ही नहीं सुनी, मनमर्जियां करते चले गए। इसका रिजल्ट तो ये होना ही था। आज मैंने सुबह 10 बजे मेयर साहब को फ़ोन किया था कि हम आपको, कुछ लोग आके आपको एक कमल का फूल भेंट करना चाहते हैं और थैंक यू करना चाहते हैं कि आपकी मेहनत की वजह से 66वें नंबर पर आ गया। थोड़ी सी और मेहनत कर लेते इसी तरह की जैसे वो करते आ रहे हैं तो हमें सेंचुरी भी हो जाती, 100 नंबर पे भी आ जाते उन्होंने। लेकिन उन्होंने मुझे मिलने से मना कर दिया, हमारी पार्टी के लोगों को मिलने से मना कर दिया। पहले मुझे कहा था कि 2 बजे आना, 2 बजे मना कर दिया, मैं हूँ ही नहीं। लेकिन इस मुद्दे को छोड़ दीजिए, आपने बहुत कवर किया है पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। क्या आप कभी पहले सुना था इससे पहले 5 साल पहले कि कभी सफाई कर्मचारियों की भर्ती में पैसे लिए जाते थे? कभी ये सुना था कि गाड़ियों के ऊपर जो सफाई कचरा ढोएंगी उनके ड्राइवरों से 1.5 लाख रुपये लिया जाएगा? कभी आपने सुना था कि डेड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड के इस तरह पहाड़ देखे थे कभी? हमने भी तो कोशिश की थी इसको कुछ कई लेवल पे, एक बार हम स्टेडियम लेवल पे ले आए थे। अब रोज़ आग लग रही है, करोड़ों रुपये के टेंडर लग रहे हैं, आग किस लिए लगती है कि ये पता ही ना लगे कितना कूड़ा उठा और कितना आया और कितना चला गया? ये सारी चीज़ें लेवेंस कंपनी का क्या है बताइए। जब चंडीगढ़ पहले 2 नंबर पर आता था उस वक्त तो लेवेंस कंपनी नहीं थी, हम 2 करोड़ रुपये उसी एरिया में महीने का खर्च करते थे। आज हम 4.5 करोड़ से ऊपर उस महीने में खर्च कर रहे हैं और रेटिंग जो है 2-3 नंबर पे, लोकल लेवल पे 38वें नंबर पे आ गई और नेशनल लेवल पे 66वें नंबर पे आ गई। ये चंडीगढ़ का एक टैग था, द सिटी ब्यूटीफुल, आज हो गया है द सिटी डर्टीफुल। और इसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी जो भारतीय जनता पार्टी के 5 मेयर रहे हैं, वो अधिकारी जो आज भी कुर्सियों पर जमे बैठे हैं, जिन्होंने सिवाय अपनी जेबें भरने के, उन पार्षद वो जिम्मेवार हैं जो सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन बनते रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपने दिवाली के गिफ्ट मांगे हैं ठेकेदारों से, उन्होंने सिर्फ पैसे इकट्ठे किए हैं, उन्होंने सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज एक स्लोगन है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ बना कूड़े का ढेर, कहाँ है मैडम किरण खेर? कोई ऐसे कॉलोनी बता दीजिए जहाँ पहाड़ के पहाड़। मैं उस दिन बड़ैल गाँव में गया, हमने एक फंक्शन करना था जो दशहरा ग्राउंड है, वो मुझे लगा कि डड्डू माजरा का दूसरा डंपिंग ग्राउंड वो बन रहा है। जब ये हालत शहर की हो जाएगी, ना वहाँ का पार्षद काम करेगा, ना मेयर करेगा, ना अधिकारी, एक मिली भक्त है, इन्होंने नेक्सस बना लिया, तुम भी खाओ हम भी खाएं, पूछने वाला है नहीं, प्रशासन इनका है। तो इसी वजह से ये 66वें नंबर पर आया। क्या निगम इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा और ये भी चुनावी मुद्दा बनेगा? मैंने कहा जी, 2 मुद्दे ऐसे हैं, या मैं आज 3 करा दूँ। पहला नंबर महंगाई, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, उसका असर भी चंडीगढ़ पर पड़ेगा और पड़ रहा है। दूसरा मुद्दा है चंडीगढ़ में 3 गुना पानी के रेट जो बढ़ा के लोगों की कमर तोड़ दी। और तीसरा मुद्दा ये बन गया कि चंडीगढ़ में करोड़ों रुपए खर्च, करोड़ों, जिसका जो सत्य है कि पूरी कॉरपोरेशन का बजट एक तरफ और सफाई व्यवस्था के ऊपर बजट एक तरफ, उसके बावजूद ये हमारा हाल है। और आप देखें, राजनीतिक पार्टियाँ कम बोल रही हैं, चंडीगढ़ की जनता बोल रही है कि कुछ शर्म करो मेयर साहब, अच्छा होता कल ही अपनी पार्टी से रिज़ाइन करके, मेयरशिप से रिज़ाइन करके अगले चुनाव में उतरते, माफ़ी मांगते चंडीगढ़ की जनता से। अभी भी जस्टिफाइड कर रहे हैं, ये हो गया, इतना कम आ गया, आप देखेंगे। और एक चीज़ मैंने आज अखबारों में पढ़ी है कि सारी की सारी जिम्मेवारी MOH पे डाली जा रही है, उसको पंजाब वापस भेजने की। क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट चंडीगढ़ का सारा MOH संभालता था? क्या MOH को लेके आप पूरे 5 साल आपके मेयर उसको गाड़ियों में लेके फंक्शनों में साथ लेके नहीं जाते रहे?
क्या क्या उसके साथ आपकी मिलीभगत सामने नहीं आई थी? जब उस वक्त तो आप अच्छा लगता था जब आपकी मर्जी से वो ड्राइवर भर्ती कर रहा था, उस वक्त आपको अच्छा लगता था कि जब वो सफाई कर्मचारियों को लिस्ट आपसे मांग के करता था, आज उसको बलि का बकरा बना रहे एक एक छोटे से अफसर को। उधर पंचकूला तो एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। उत्थे अस्पताल दे विच एक 13 साल नाबालिग बच्ची ने 7 महीनों के मृतक बच्चे नूं जन्म दिता, जिस तों बाद हर पासे इसे ते चर्चा हो रही है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, कार्रवाई शुरू कर दी है, दोषियों की भाल दे विच जुट गई है। पंचकूला दे विच एक नाबालिग बच्ची वालों मृतक बच्चे नूं जन्म देने का मामला सुरखियां दे विच है। इस मामले दे विच औरत थाना पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करके अगली जांच शुरू कर दी है। तो दसा जा रहा है कि नाबालिग बच्ची 9वीं जमात की विद्यार्थन सी, वो ट्यूशन पढ़ाने जाती सी, जिथे उस नाल दुष्कर्म होया। तो मामला पंचकूला दे सैक्टर 6 दे हस्पताल दा है, जिथे कि नाबालिग बच्ची वालों 7 महीने के मृतक बच्चे नूं जन्म दिता गया, जिस तों बाद सारा मामला जगजाहर होया। आते इस गल दी सूचना मिलने तो बाद औरत थाना पुलिस वालों पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हाँ जी, एक हमारे पास ये कंप्लेंट आई है, 13 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया गया है और उसने एक 7 महीने के मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, जिसमें हमने FIR रजिस्टर की है और हम कोशिश कर रहे हैं अपराधी को पकड़ने की। जैसे ही अपराधी पकड़ा जाएगा तो हम बता दिया जाएगा। तो पुलिस कंप्लेंट किसके द्वारा की गई है और क्या शिकायत में किसके बारे में बताया गया? जी, पुलिस कंप्लेंट उसकी मदर की द्वारा की गई है, जिन्हें पहले नहीं पता था कि उनकी बच्ची प्रेग्नेंट है या उसके साथ ये गलत काम हो चुका है, और बच्ची भी छोटी है इसलिए बच्ची को भी इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था। और जैसे ही हॉस्पिटल में वो पहुँची, उसे वहीं पे पता चला है कि प्रेग्नेंट है और उसके बच्चा है उसके पेट में। तो इसमें हम जांच कर रहे हैं, आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो अभी तक किसी का नाम आया है सामने, क्या जांच में अभी तक? जी हाँ, नाम तो आया है लेकिन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी, तो इसमें जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो उम्र 13 साल ही है, पढ़ती थी लड़की? बच्ची की उम्र 13 साल हमें बताई गई है, बाकी ओसिफिकेशन टेस्ट करवा के उसकी असली उम्र का पता लगाया जाएगा। तो लड़की सेफ है अभी हॉस्पिटल में? लड़की सेफ है, बिल्कुल ठीक है। जी। उते इस मामले दे विच शिकायत मिलन तो बाद पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिती है। तो जल्दी ही इस मामले दे विच आरोपी नूं गिरफ्तार किए जाने की गल पुलिस वालों कही जा रही है। जगबाणी टीवी लई पंचकूला तो तारा ठाकुर की रिपोर्ट। दाना मंडी दे विच अनाज ही हुंदा है, पर खरड़ दी अनाज मंडी कुछ होर ही बन चुकी सी। जी हाँ, खबर सामने आई है कि खरड़ दी अनाज मंडी कसीनो दे विच तब्दील हो गई, ते जिथे जदों उत्थे कैमरा टीम पहुंची तो नज़ारा कुछ होर ही सी। पेश है रिपोर्ट। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਸੱਟਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਸੀਨੋ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੈਸੀਨੋ ਖਰੜ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੈਠੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਸਕਲੇ ਵੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੂਆ ਸੱਟਾ ਤੇ ਮਸਕਲੀ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SSP ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਬਦਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। इमीग्रेशन के नाम से ठगी के कई मामले सामने आए तो हुण चंडीगढ़ पुलिस ने एक अजिहे ही ठग नूं गिरफ्तार किया है। दरअसल वह इमीग्रेशन कंपनी का चला रहा है पर उस कोई लाइसेंस ही नहीं सी। जिला मोहाली दे मुखी सरदार नवजोत सिंह महान जी वालों जिला मोहाली अंदर हो रहे क्राइम जिहड़े ट्रैवल एजेंट सट्टेबाज शराब है उहदे संबंध स्पैशल मुहिम जिहड़ी चलाई गई है। इसे प्रेजेंट SP देहाती साहब मनप्रीत सिंह खंड DSP नवजोत सिंह की अगवाई कल साड़ी जीरकपुर की पुलिस पार्टी ने अलग अलग जगह तो 6 व्यक्तियों असी अरेस्ट किया। जीरकपुर DAP रोड से CCC नाँ की मार्केट हैगी है जिस में 3 जगह से अलग अलग ट्रैवल एजेंट जिहड़े है जिन्होंने अपने बाहर कोई डिस्प्ले बोर्ड नहीं लाया ये अपने मोबाइल के जरिए लोगों को जिहड़े गरीब नौजवान हैगे है देश जाने चाहवन उन्होंने टैलीफोन से कॉन्टैक्ट करके टैलीफोन पर ही अपना उन्होंने डाकूमेंट मंगा के उन्होंने वीजा लाने का भरोसा दे के ये बहुत सारिया वही अमाउंट जी ठगी मारते हैं। ये तहत 3 मुकदमे दर्ज किए गए 571 572 ते 73 ये तहत जो 3 दोषी है नीरज कुमार और मनोज जो सरित्रीन खेत रहा वह गिरफ्तार किया। ये ही एक दूसरी दुकान पर जो खुली सी चंद्र नागपाल पुत्र सुरेश नागपाल ये होम से रहा है। एक तीसरा है संजय कुमार संजय भुलर और रिंकू जो शांति कुंज से रहा ये 3 व्यक्तियों अलग अलग जगह तो अलग अलग गिरफ्त करके 3 कदम दर्ज किए गए। इन दोषियों ने काफ़ी अंजाम भोले भाले स्टूडेंट को ठगिया यदि इन्वेस्टिगेशन जी जारी है। और इस तरह 2 सट्टेबाज जोड़े गए कि रोड से इन्होंने फ्लैट लैके सट्टे का काम कर रहे थे मैच से दोनों गिरफ्तार किया। रोहिन जो कैंथल का रहने वाला एक निखल ये भी कैंथल के दो रहने इन्होंने अलग मुकदमा दर्ज करके यदि इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसे लड़ी तहत एक होर दोषी जोड़ा आदित्य जो शराब का समगलिंग करता से डेली उतु छत पिंड ने गिरफ्तार करके ये 24 बोतल शराब जी ठेका जी बराम की इन सारे कोई लाइसेंस ना ट्रैवल एजेंटी का ਨਾ ਸਫੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਕੁੱਲ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। रुक मौसम का कर लें तो दसदे हैं कि अज का तापमान किन्ना है तो दस दिए कि वत्त तापमान अच्छ 27.8 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया तो घट्टो घट तापमान रहा 11.6 डिग्री सैलसीयस। तो अज इस बुलेटिन के पास देना ही फिर होगी मुलाकात। सत श्री अकाल।